सुनो बहन, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। मुझे एक ने बताया है कि छठ पूजा करने से दुख दूर हो जाता है। हाँ, तो आप तो बिहार की हो ना, तो आपको तो पता होगा। हाँ मुझे पता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सब दूर दूर हो जाए रोगा कृपा से। तो आप बताइए ना क्या करना पड़ता है आपको। ना मतलब ये छठ वाला महीना में ना आपको ये सब मतलब चिकन विकन मछली उछली नहीं खाना होता है। और उसके बाद में पूजा करना मतलब दो तीन दिन पहले नहा खाना पड़ता है। उसके बाद में नारियल नींबू और आदि मुरई और ठेकुआ बनाना पड़ता है, दौरा लाना पड़ता है, सुपली और ये सब ले आके और एक मतलब दो दिन तक आपको भूखे रहना पड़ेगा, उपवास रहना पड़ता है। हाँ सब दूर हो जाते हैं। हाँ उसके बाद आप जो भी मन्नत मांगेगा ना वो मतलब पूरा पूरा हो जाता है। चलो भगवान की वास्ते यही काम हो जाए यार, पर पता है ना मेरे छोटे छोटे बच्चे में बहुत दुखिया आ रही है, क्या करूँ। मेरे साथ काम सलप हो जाए तो और ही अच्छा है, भगवान से मेरी सुन ले गए तो वो ना आप पूजा करिएगा ना, जो भी मन्नत रख के मन में वो मतलब छठी मैया का दुआ से ना पूरा वो मतलब आपका मतलब। मैं कभी रही नहीं हूँ ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो मैं हूँ ना, मैं बता दूंगी ना कैसे कैसे। आप बताना बहन, आप बता दोगी तो और अच्छी बात है। मैं तो पहली बार रह रही हूँ ना, तो पूछना भी जरूरी होता है। अब परेशानी तो माँ को ही समाप्त है, माँ ही तो है सब दुख की दूर करने वाली। तो एक्चुअली आपके मेरे रूम में है ना मैया, वहाँ पर मैं उसका गीत भी होता है, मैं गीत गा के सुना दूंगी गाना। ठीक चलो आइए। तो बैठी ठीक बात, चटाई भी छाओ तानी सर हो गया, बताओ तानी कैसे कैसे छठ पूजा हो गया। वही ठीक करता बा छठ पूजा में मतलब तीन दिन पहले नहा जला ठीक बा, और बाद में कुछ क्या दिन दूसरे रह जला अच्छी में रह जला दो दिन मतलब कि खरना मतलब खरना को कहा जला बिहार में। और दिन मतलब आदि मुरई और मतलब फल जितना फल होता है वो सब लोग मिलाई थी। और उसके बाद में खीर बनता है, पूरी बनता है माटी के बर्तन में महीना में। और उसके बाद में छठी मैया के चढ़ाया जाता है, पूरी बनता है जो करती जिसको जो बाल बच्चा रहता है तैसे भी मतलब पूरी चढ़ाता है और अपनी सब भी चढ़ाता है। और उसके बाद में गुड़ लाग कर और उसके बाद में मुझे एक बार अच्छे से समझा दिए ना, मैं समझ जाऊँ तब मैं आपको जो थोड़ी गलती हो जाएगी छठ पूजा में तो मैं बुला लूँगी आपको। और मुझे ये बताइए कि भोजन चाहता है माँ के लिए क्या क्या। वो ना पूरी और खीर बनता है ना दूध में और मीठा डाल के बनता है ठीक है। और पूरी आटा की बनता है, आटा को मतलब धोकर उसको छिपा कर और पिसवा कर मतलब आता है उसका मतलब माटी का ये तवा रहता है उसी पे मतलब बन गया। और बाद में पूजा करके मैंने चढ़ा के गुड़ रख के केला के पत्ता लिया के काटी ओके चढ़ा के गुड़ रख के में खा लेला। ओकरा भी अन मिला घाटे रहेला छोटी घाटे वो दिन में मतलब दिन भर ठेकुआ को बनला सुपली दौरा नारियल नींबू केरा और सरू लानी पड़ती है। हाँ टोटल जितना छठ पे पूजा होता है ना और उस सब सामान ला कर उसके बाद उस सबको धोकर मुखी भी आता है मतलब उसका आप लोग कैसे करते हैं। मैं तो 15 से मुझे कभी ना रही, पर उसके बाद ये सब करने के बाद भी ना उसमें अरे छठ पूज में भजन भी गाना भी तो होता है। हाँ, तो बहुत थोड़ा सुना तो बताइए ना। उसमें गाना है ना मैं छठ के गाना गा रही हूँ। उगा हे सूरज देव भेल भिनु सरावा अरख के रे बेरिया पूजन के रे बेरिया बाजिन पुकारे दुनू कर जोरिया अरख के रे बेरिया पूजन के रे बेरिया आयकर गाना केरावा जे फोरेला घोवद से ऊपर सुगा मेरे राय सुगावा के मोर बुधन कसे मतलब ऐसे ही मतलब बहुत सारा मैंने गाना। बताइए आपको पसंद आया। मुझे बहुत अच्छा लगा माता रानी की सुन के। चलो आपने राय दी मुझे, बहुत अच्छी बात है, पर माता रानी मेरी सुन ले बस, मेरा दुख दूर कर दे। आपको जो भी दुख परेशानी होगा ना वो मैं सच में कर रही हूँ कि आप दिल से और मन से और छठी माई के व्रत करम रहूँगा पूरा मतलब। मैं पहली बार रह रही हूँ तो माता रानी मेरी सुने,
मेरा दुख दूर कर दे, मैं खुशियाँ से और खुशी से माता रानी की वो करूँगी, जो मेरा दिल कहेगा मैं वो करूँगी माता रानी के लिए। पर माता रानी बस मेरा दुख दूर कर दे, उसके लिए बस मेरी झोली जो खुशियाँ में भर दे, मेरा दुख है ना सर ऐसे ले जाए गंगा जल में पानी भा के, बस माता रानी मेरी शिकायत। अब मैं चल चुकी हूँ, ठीक है चलिए।